नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के थाना सदर की ये तस्वीरें हैं। आपको आज से चार दिन पहले एक खबर दिखाई गई थी जिसमें दो बच्चों का पिता महरूफ, जो 20 साल की रुकमणी को अगवा करके ले गया था जैसा परिवार ने आरोप लगाया था महरूफ के ऊपर, तो यहाँ पर हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी मदद के लिए, आइए एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं शास्त्री जी, यहाँ पर पहुँचे थे, क्या था पूरा मामला, क्या पता चला आपको? भाई साहब, ऐसा हुआ कि देश में एक चर्चा का बिंदु रहता है लव जिहाद। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो वैसे ही कही सुनी बात है। अपने यमुनानगर में भी ये घटना पहुँच गई है। एक लड़का है, वो परिवार में नाम बदल करके आता था, तिलक वगैरह लगाता था, बेटी से भी रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता था। भैया दूज से अगले दिन वो बैला फुसला करके ले गया। परिवार गरीब है, साधारण है, सज्जन लोग हैं बेचारे, थाने में आए। अब थाने में जब आए तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। प्रशासन ने इस मामले को बहुत ढिलाई बरती और आज अगर ये स्थिति आन खड़ी हुई है तो थाना सदर जगाधरी के कारण आन खड़ी हुई है। हुआ यूँ कि अगर परिवार की बात सुनी जाती सही से, और इसमें एक और लापरवाही हुई है। इस देश में वैसे तो SC ST एक्ट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक थाने को ये नहीं पता कि भाई एक ऐसे परिवार की बच्ची गई है जो अपना गरीब परिवार है, SC ST में आता है तो एक्ट लगना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लगाया। तो अब हिंदू संगठन जागे और जब जा कर के यहाँ कार्रवाई हुई है। अभी देखते हैं, अभी भी हमें पता नहीं। प्रशासन ने अपनी तरफ से लड़की को भगाने में खूब काम कर दिया है, प्रोटेक्शन लेने का भी टाइम दे दिया है प्रशासन ने, अब तो वो जा कर के प्रोटेक्शन ले लेंगे, लेकिन फिर भी परिवार पर SC ST एक्ट लगे। आज शाम या कल 12-1 बजे तक परिवार को उसको गिरफ्तार किया जाए जिन पर SC ST, क्योंकि DSP साहब ने करना है, SC ST का मामला DSP साहब देखते हैं, जो भी DSP उन परिवार को गिरफ्तार करें। हमें जहाँ तक पता चल रहा है बेटी को जैसे भी है वो आ जाएगी। तो अब कुल मिला करके हम आए हैं यहाँ, क्या करें, कोई रास्ता और तो है नहीं। हम औरों की तरह तलवारें लेकर के, लठ ले करके भगा तो सकते नहीं। हिंदू हैं, इस देश में हिंदू होना बहुत जुल्म की बात हो गई है, रोज़ रोज़ इस तरह की घटनाएं। तो देखते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और बर्दाश्त की सीमा से बाहर जाएंगे तो फिर मरता क्या ना करता, चंदन में से भी आग निकलती है अगर उसको रगड़ा जाए तो। हमारे साथ रगड़ हो रही है, प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है कि थोड़ा सुधरें और ठीक ठाक ले विषयों को। इस तरह से चलाकी और चतुराई जो है ज़्यादा चलती नहीं है, समाज जाग गया है। शास्त्री जी, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से उस लड़के की एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है, तिलक माथे पर लगाया हुआ है और परिवार का कहना है कि राखी भी बंधवा के गया, तो क्या लगता है क्या हो सकता है, क्या इनका? ये सीधी सी बात है, इस देश में एक षड्यंत्र चल रहा है, उसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब है एक ग्रुप काम करता है जिनको वर्ण अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अपना सिख आदि की जो बेटियां हैं उनके मूल्य निर्धारित हैं कि आप इसकी बेटी को लाएंगे तो इतना मूल्य, इसकी बेटी को लाएंगे इतना मूल्य। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई मौली बांधेगा, कोई अपना नाम राकेश रखेगा, कोई नाम अपना टीका लगाएगा, वास्तव में पहले अपना छद्म वेश बना करके, छुपा हुआ रूप बना करके बच्चों को जाल में फंसाते हैं, अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। और जब बेटी जाल में फंस जाती है तो फिर हम सब के संज्ञान में बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हैं जिनको दुबई बेच दिया गया है। परिवार भी ध्यान दें, एक बेटी गई थी पीछे से मुसलमान के साथ तो चली गई, तो पिताजी को बेटी ने कहा मुझे बात कह देनी चाहिए क्योंकि एक ही तरफा बात नहीं होनी चाहिए। बेटी ने कहा पिताजी मैं उस लड़के के साथ 7 महीने से हूँ, उसने मुझे कुरान पढ़ना सिखा दिया, इबादत सिखा दी, आपने 25 साल से क्या सिखाया मुझे, मैं तो आपके साथ थी। तो हिंदुओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को अपने संस्कार और सभ्यता की शिक्षा दें, उनको बताएँ कि तुम्हें इतनी गर्त में धकेल दिया जाएगा, 4 दिन तुम्हें अपना रूप छुपा करके फंसाया जाएगा। तो वही है तिलक और ये सब मौली बांधना कौन मुसलमान बांधता है, आप सब समझ सकते हैं। और एक और मैं बात कह दूं, यदि आपने इस इंटरव्यू को नहीं लिया जाता लेते, मैं दावे के साथ कहता हूं ये मामला कहीं का कहीं जा सकता था। हमें यहाँ से पता चलता है कि वास्तव में पत्रकारिता की आवश्यकता क्या है। आप इंटरव्यू आपने जिस दिन लिया, आपके इंटरव्यू को मैंने देखा कहीं, तब मेरे ध्यान में आया विषय, और कहीं किसी अखबार वगैरह में भी नहीं छपा है। पत्रकारिता भी मुझे लगता है ऐसी हो गई है कि जब सामने आए अल्लाह मचे तभी फोटो। तो आपने जो उस दिन परिचय दिया है, इस बेटी को लाने में जहां सभी हिंदू संगठन जय भवानी सेना के सामने, साथ में हिंदू वाहिनी के साथ में मिलकर के, उसमें एक अहम जो किरदार है वो आप भी हैं। अगर ये बेटी आती है तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पर जय भवानी सेना के जो अध्यक्ष आदित्य रोहिला जी है, क्या कहेंगे? डीएसपी साहब यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे, क्या आश्वासन दिया, क्या मदद की जा रही है परिवार की? डीएसपी साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है एक दो दिन में, और उससे ज़्यादा का समय भी लिया है, 3-4 दिन का, कि भाई हम लड़की को बरामद कर देंगे। और हमें पहले भी बहुत सी मदद की है डीएसपी साहब ने, हमें पूरा भरोसा है डीएसपी साहब पर। हम कानून से हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कानून भी हमारा सहयोग करे। और लड़की के जो परिवारजन है बहुत विपत्ति में है इस टाइम, उनका साथ दें कानून। और मैं कुछ आपको कहना चाहूँगी, उसकी माताजी से भी एक बार बात की जाए। तो ये आदित्य रोहिला जी थे, रुकमणी की माताजी हमारे बीच में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे माताजी, क्या सहयोग मिल रहा है, अब प्रशासन किस प्रकार का सहयोग कर रहा है? पहले तो आपको थाने चौकियों के चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ जी, पहले थाने चक्कर काटे हम लोगों ने जी, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। जो जो हम लोगों ने किया है जी, वो दरख्वास्त नहीं हमारी लिखी हुई जी, दरख्वास्त वैसी लिखी, कहने लगे जी भी फिर हमें पता लगेगा तो हम आपको वो कर देंगे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं आएगा। माता जी, जो आपकी तरफ से बात बताई जा रही है कि वो तिलक लगवाता था, वो राखी बंधवाने आता था। हाँ जी, तो क्या 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 कुछ करता था घर आकर? ऐसे ही जाता था बस, काम के लिए भी, बताने के लिए भी कहता था, आंटी मैं भी तुम्हारे लड़के की तरह हूँ, जैसे तुम्हारा बेटा है एक लड़का है, मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ भी, मैं भी ये भी मेरी बहनें हैं, कहता है मैं इनसे रखा बंदर भी बनवाऊँगा और तिलक भी करवाऊँगा जी का जी, ऐसे कह रहा था वो, कहता मेरे पर विश्वास रखो आंटी, हमारे लोग ऐसे नहीं है, कह रहा मैं शादी शुदा हूँ, कहा दो बच्चे हैं मेरे, ऐसे करके लिए उसने हमें वो कराया, चलाए हैं लड़की को भी। तो हमारे साथ जयंत जी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, अब ये मामला डीएसपी साहब ने तो आश्वासन दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो बातचीत हो रही है? देखिए, आपके माध्यम से जब हमारे संज्ञान में मामला आया, तो उसके बाद एसएचओ साहब की भी यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, नए एसएचओ साहब आए हैं, और आज डीएसपी साहब से मुलाकात हमारी हुई है। तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और जितनी जल्दी हो सके लड़की को हम परिवार को हम बरामद करवाएंगे। और दूसरा, आजकल जो है एक ट्रेंड चला है इन लोगों का कि वो हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाकर, बहला फंसाकर उनके परिवार में एंट्री करते हैं, उनके परिवार में घुसते हैं, और फिर कुछ दिन बाद उन्हें वो लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो उस चीज़ को हमें परिवार एक आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहिए कि भी जितने भी हमारे परिवार हैं ये किसी के नहीं है, इनमें खुद की बहन बेटियों से भी ये शादी कर लेते हैं, तो ये आपकी बहनों को बहन बनाकर कैसे आप सोच सकते हैं कि भाई वो सुरक्षित है? तो इनसे जितना दूरी बना के रखिए, घर में घुसने लायक नहीं है ये, अपने परिवार से जितना दूर रखेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी हमारे बीच में है, अब क्या लगता है आपको, मान लीजिए अगर कोई कार्रवाई नहीं होती फिर अगला कड़ा कदम क्या रहेगा? नहीं, डीएसपी साहब अभी आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जहाँ तक है बहुत जल्दी से जल्दी लड़के परिवार को अरेस्ट करा जाएगा, और उनके ऊपर SC ST की धारा भी लगाई जाएगी, जो जो उन्होंने जाति सूचक शब्द कहे हैं वो सब लगाए जाएंगे, और तुरंत लड़की को पकड़ने के लिए उन्होंने टीम भेजी हुई है, तो लड़का लड़की दोनों जल्दी ही बरामदगी किए जाएंगे जी। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें यहाँ पर, जो परिवार 4 दिन पहले जिनकी खबर चलाई थी, उनके परिवार को साथ देने के लिए हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचे थे, और इनकी हर संभव यहाँ पर मदद की गई। मौके पर अभी DSP साहब भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो अब ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे जिला यमुनानगर के सदर थाना से। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।